Shalakaya Chakshurunilitanena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakaupatarubhyascha Kripasindubhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vatsadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare We're only having a quick visit today. We're just passing through. We're on the way to another place. But still, although we're not here for very long, even a moment of association. लेकिन ये वैष्णव संघ जो है आपके जीवन में ये महत्वपूर्ण रहेगा इन चैतन्य चरितम इट सेज साधु संगे सर्वश्रेष्ठ कोय लाभ मात्र साधु संगे सर्वसिद्धि होय सो लाभ मात्र इज अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड जैसे महाराज ने जो श्लोक बताया वो चैतन्य चरितामृत में है और उस श्लोक में वर्णन है कि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए यानी एक पल वाला भी बहुत छोटा हिस्से का वैष्णव संघ से जो है ये व्यक्ति का जीवन परिवर्तन हो जाता है बट द वैल्यू ऑफ दैट मोमेंट ऑफ एसोसिएशन कैन गिव यू द परफेक्शन परफेक्शन ऑफ कोर्स प्रेम पुनार्थो महान ये एक क्षण से भी कम हिस्सा का ये संत का हमें जो है ये मनुष्य जीवन का सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है चैतन्य महाप्रभु has taught us the goal of life is to develop love for God चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया कि जीवन का जो है ये गोल यानी लक्ष्य जो है वो है भगवत प्रेम प्राप्त करना and चैतन्य महाप्रभु has said All of you should become guru. और चैतन्य महाप्रभु यह बताते हैं कि आप सारे लोग गुरु बनने चाहिए महाप्रभु भारत भूमि ते होला मनुष्य जन्म जा जन्म सार्थक करे कर परोपकार It's very fortune, very great fortune to take birth in Bharatvarsh. And with that birth, but the purpose of taking birth in Bharatvarsh is to make your life perfect, and then you have to give it to others. जैसे महाराज बता रहे कि ये बड़ा दुर्लभ है कि भारत की भूमि पे किसी को जन्म प्राप्त होता है ये. किंतु अगर कोई भारत की भूमि में जन्म प्राप्त करता है, तो उन्हें अपना जीवन परिपूर्ण कृष्ण भावनामत करना चाहिए और अन्य को कृष्ण भावनामत देना चाहिए तो महाप्रभु जस्ट वांट यू टू से हरि बोल ही वांट्स यू टू प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस जैसे चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि हर व्यक्ति कृष्ण भावनामत का प्रचार करे महाप्रभु वेंट टू कुरुक्षेत्र महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु कुरुक्षेत्र गए थे He met one Brahmana man there who wanted to leave his home and go with Chaitanya Mahaprabhu. चैतन्य महाप्रभु को कुरुक्षेत्र एक ब्राह्मण मिले और वो ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु के साथ में ही जाना चाहते थे But महाप्रभु told him, no, no, don't speak like that. चैतन्य महाप्रभु ने उनको बताया ब्राह्मण को कि ऐसे वार्तालाप मत कीजिए महाप्रभु told him, यारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश चैतन्य महाप्रभु ने बताया जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश अमार गाय गुरु हना थरे देश महाप्रभु इज टेलिंग द मैन व्हेनेवर यू गो व्होएवर यू मीट यू टेल हिम द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कृष्ण एंड इन दिस वे यू आल्सो बिकम गुरु
चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को बताया कि आप जहां भी जाओ अन्य को कृष्ण के बारे में बताइए और इस प्रकार से आप गुरु बन सकते हैं। जो महाप्रभु इस ऑर्डर हमारा आज्ञा है, आई माई ऑर्डर यू ऑल बिकम गुरु एंड टीच द मैसेज ऑफ कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु बताया अमर आज्ञा यानी मेरी आज्ञा से आप सब लोग जो है ये गुरु बनिए और अन्य को कृष्ण भावनामत सिखाइए। सो देयर इज प्रचार एंड आचार, यानी प्रचार भी है और आचार भी करना है। इट्स नॉट ओनली प्रचार, वी मस्ट आल्सो हैव द आचार। महाराज बता रहे कि केवल प्रचार ही नहीं होना चाहिए, आचार भी होना चाहिए। So very, very important, we have to follow strictly the principles. और इस कारण से हमें जो है ये भक्ति के नियम अपने जीवन में कड़ी पूर्ण जो है ये पालन करना चाहिए। Right? If you do yoga, we speak about yam and niyam. There's things you have to do and things you don't do. कुछ चीजें भक्ति में हम करते हैं नियम और कुछ चीज जो है ये नहीं करते हैं ये। What do you not do? हम क्या नहीं करते हैं? You don't eat fish or meat. हम मच्छी और मांस नहीं खाते हैं कृष्ण भावनामृत में। Right? We are from, I'm from Europe. I'm from England. He's from Africa. We are strict vegetarian. No meat, no fish, no egg. महाराज अमेरिका से है, बाजू में बैठे सन्यासी वो अफ्रीका से है, वो कोई मांस नहीं खाते हैं, मछली मटन अंडा कुछ भी नहीं, प्याज लहसुन नहीं खाते। शुद्ध खाना ऑफर टू कृष्ण प्रसाद, हम कृष्ण को अर्पण करके भोजन स्वीकार करते हैं, उसे प्रसाद बताते हैं। नो चाय नो कॉफी, चाय कॉफी भी नहीं होता है ये। यू नो चाय केम फ्रॉम चाइना, इट्स अ चाइना कल्चर केम टू इंडिया। महाराज बताए चाय जो है ये चाइना से आई, चाइना से इंडिया आई। The Chinese invented tea and the British brought it from China to India. China ने जो है ये चाय को खोजा और फिर ब्रिटिश जो है वह जो है ये भारत में लेके आए। So I'm the British and I've come to teach you the right thing, not the wrong thing. महाराज ब्रिटिशर है और महाराज बता रहे मैं आपको सही चीज सिखाने आया हूँ, गलत चीज सिखाने नहीं आया हूँ मैं। No tea, no coffee. No Coke, none of this Coca-Cola, this American culture. चाय कॉफी और कोक, कोक यानी कोका कोला वगैरह वो सब भी नहीं लेना चाहिए। No, we want the Vedic culture, Krishna culture. ये वैदिक कल्चर है, कृष्ण का ये संस्कार है। So no intoxication, no gambling. And no illicit sex. नशापान नहीं होना चाहिए, जुआ नहीं होना चाहिए और पर व्यभिचार नहीं होना चाहिए। No abortion. Abortion. Abortion नहीं होना चाहिए, गर्भपात नहीं होना चाहिए। We like children. Have children and bring them up to be nice devotees. बच्चों को जो है ये अच्छा भक्त बनाइए सुंदर। It's a great fortune to be blessed with children. Bring them up to be devotees of Krishna. सद्भाग्य से कृपा से जो है ये घर में बच्चे प्राप्त होते हैं, कृपया उनको जो है ये भक्ति में वातावरण देके उनको भक्त बनाइए। Teach them to be vegetarian. Don't give them egg and meat and fish. उनको जो है ये वेजिटेरियन बनाइए, उनको ये अंडा और मछली मटन वगैरह नहीं दीजिए। So this is your duty. Shastra says, don't become a parent, don't become a mother or father unless you can deliver your children from birth and death. शास्त्र में वर्णन है कि माता पिता नहीं बनिए
यदि आप अगर बच्चे को ये भव सागर से मुक्त नहीं कर सकते हैं तो So we have come to ask all of you follow strictly four principles: satyam, sacham, daya, tapa. चार नियम जो है ये पालन कीजिए, सत्यम, सोच्यम, दया, तपा, right? Dharma, the pillars of religion, just like we have four principles in Hare Krishna movement. So, four pillars of religion: cleanliness, mercy, austerity, truthfulness. जैसे ये चार जो है ये स्तंभ है कृष्ण भावनामृत में, एक स्वच्छता, बाद में कृपा तपस्या और करुणा. And then what must you do? One thing you have to do, you have to chant Hare Krishna mantra. और एक चीज और क्या करना है, वह हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए. इसे सादा सुखी रखो, हरे कृष्ण बोलो. So we encourage all of you, you chant Hare Krishna mantra and be happy forever.